हेलो गाइस, आज मैं विदाउट मोल्ड केक बताने जा रही हूँ गाइस आपको। और ये कस्टर्ड फ्लेवर का केक बना रही हूँ मैं, और बहुत ही आसानी से बन जाएगा और बच्चों का बहुत फेवरेट है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो एक बाउल ले लिया है मैंने, बाउल में लगा लिया है छलनी, क्योंकि सारी चीज़ें हमें केक के लिए मेजरमेंट करके लेनी है और छान के लेनी है। तो एक कप मैंने डाली है इसमें मैदा, जिसको मैंने छान लिया है, या फिर आप पहले से ही छान के रख सकते हैं। तो मैदे को मैंने छान लिया है, अब मैं डालूंगी इसमें कस्टर्ड पाउडर, क्योंकि हम कस्टर्ड फ्लेवर का बना रहे हैं। तो ये भी मैंने मेजरमेंट करके लिया है, ये मेजरमेंट वाली स्पून है, तो इनसे मैंने 4 स्पून ये मेजर कर लिया था, तो मेजर करके ही लिया है, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो आप कोई भी फ्लेवर का बना सकते हैं, वो फ्लेवर इसमें ऐड कर सकते हैं। बस मेरा सजेशन ये है आपको कि जो भी चीज़ें आप केक के लिए लें, वो परफेक्ट मेजरमेंट करके ही लें। तो ये देखिए, पूरा 4 टेबल स्पून था, वो मैंने इसमें डाल दिया है। आप घर की स्पून से भी मेजरमेंट कर सकते हैं, जो नॉर्मल स्पून होती है उससे भी आप 4 स्पून डाल सकते हैं। तो अब इसमें कस्टर्ड पाउडर डालने के बाद मैं 1 टेबल स्पून इसमें डालूंगी बेकिंग पाउडर, और 1/8 स्पून मैं डालूंगी इसमें बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा बहुत कम क्वांटिटी में डालते हैं, नहीं तो केक हमारा कड़वा हो जाता है। और ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा पुरानी भी नहीं होनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है, नहीं केक आपका ना फ्लफी नहीं बनेगा। तो अब क्या करना है, अब मैं इसमें रिफाइंड ऑयल डालूंगी, ये भी मैंने मेजरमेंट करके लिया है। तो जितनी मैदा ले रहे हैं ना आप, जो भी मैदा ले रहे हैं उसका 1/4 आप उसमें डाल दीजिए रिफाइंड ऑयल। ये भी किसी भी फ्लेवर का नहीं होना चाहिए, ऑलिव ऑयल डाल सकते हैं आप, रिफाइंड ऑयल डाल सकते हैं। और अब इसमें मैंने चीनी पाउडर डाला है, एक्चुअली ऊपर से इसीलिए डाला है क्योंकि मैं पहले ही डाल देती, मेरा एक्चुअली ये हाथ लग गया था तो चीनी का पाउडर थोड़ा फैल गया, तो ये मैंने दोबारा फिर ग्राइंड किया है। और अब इसे दूध डाल के एक अच्छा सा बैटर बना लेंगे इसका, नॉर्मल टेम्परेचर का ये दूध है। तो देखिए फटाफट से ये हमारा केक का बैटर बन के तैयार हो गया है। तो अब चलते हैं कढ़ाई की तरफ, कढ़ाई को प्रीहीट करने के लिए। तो इसमें मैं देखिए नमक पहले से ही डाल दिया है, नमक का कलर आप देख सकते हैं कि मैंने कई बार बेकिंग में यूज किया है। तो अब इसके ऊपर मैंने एक जाली सी रख दी है प्रीहीट करने के लिए। और अब चलते हैं अपना केक को रेडी करने के लिए। तो इसमें मैंने थोड़ी सी टूटी फ्रूटी डाल दी है, जो खाने में टेस्टी भी लगती है, थोड़ा कलरफुल भी हो जाएगा। आप चाहें तो नहीं डालें, ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, या आप प्लेन ही बना सकते हैं, प्लेन भी बहुत टेस्टी लगता है क्योंकि कस्टर्ड का एक अपना ही फ्लेवर रहता है, लेकिन बच्चों को पसंद आती है तो इसलिए मैंने इसमें डाल दिए, और मेरे पास थी भी तो अब इसमें मैंने वो मिक्स कर दिए हैं। तो ये मैं विदाउट मोल्ड बना रही हूँ, तो मैं आज बनाऊँगी कॉफ़ी वाले ग्लास में। ये सभी के घर में अवेलेबल होते हैं, मेरे ख्याल से कोई घर नहीं होगा जहाँ पर ये इस तरीके के डिस्पोजल ग्लास ना हो। तो इनको आप हल्का सा ऑयल लगा के ग्रीस कर लीजिए, बस और कुछ नहीं करना है, और स्पून की हेल्प से इन्हें हम अंदर से फिल कर देंगे पूरा, लेकिन ये ऊपर तक फिल नहीं करना है। देखिए आप मैं कितना फिल कर रही हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा जब फ्लफी होगा ना तो उसमें स्पेस भी छोड़ना है। आप देख सकते हैं मैं कितना ज़्यादा फिल करूँगी, ये देखिए हमें बस इतना ही फिल करना है, तो बाकी ग्लासेस भी हम फिल करके तैयार कर लेते हैं। तो देखिए सारे ग्लासेस मैंने तैयार कर लिए हैं, तो अब चलते हैं इनको कढ़ाई में रखने। तो इस तरीके से हम लगा देंगे, और थोड़ा थोड़ा स्पेस आपको इनमें छोड़ना है, क्योंकि ये फ्लफी होंगे ना अभी बनने के बाद में केक। तो सारे ग्लासेस मैंने लगा दिया, थोड़ी सी टूटी फ्रूटी हम ऊपर से गार्निशिंग के लिए लगा देंगे, किसी में रेड किसी में ग्रीन, तो थोड़ा सा ऊपर से थोड़ा सा कलरफुल हो जाएगा। और इसको 20 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे। तो चलिए 20 मिनट के बाद चेक करेंगे। तो ये देखिए 20 मिनट बाद मैंने चेक किया है, तो ये देखिए टूथपिक एकदम क्लीन निकली है, और कितना ज़्यादा फ्लफी बना है ये आप देख सकते हैं। तो अब चलते हैं इसको डीमोल्ड करने, तो ये ठंडा होने के बाद ही करेंगे हम। तो ये मैंने करीबन आधा घंटे के लिए रख दिया था, आधा पौना घंटा हो गया है, तो उसके बाद मैं अब बिल्कुल जब ठंडा हो गया है ना तब मैं इसे डीमोल्ड कर रही हूँ। तो एक नाइफ ले लेंगे, नाइफ से थोड़ा सा साइड से इस तरीके से हटा लेंगे। वैसे तो ये देखिए आप अंदर से देख सकते हैं कितना ईजीली ऑलरेडी निकल चुका है, लेकिन थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगी तो साइड से इस तरीके से नाइफ से कर लेंगे, और इसको बस इस तरीके से हमें डीमोल्ड करना है। ये देखिए कितनी आसानी से हो गया ना, तो ये देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा फ्लफी बना है। ये देखिए लग ही नहीं रहा आपको कि आपने मार्केट से मंगाया है और बिना मोल्ड के बन गया है। तो आपको मोल्ड की भी कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है कि मेरे पास मोल्ड नहीं है,
तो इसी तरीके से हमें सारे केक टी मोल्ड कर लिए हैं। और ये देखिए कितना ज़्यादा फ्लफी है, देखिए मैं बहुत पास से आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए। तो एक पीस मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, ये देखिए कितना बढ़िया है। तो वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड्स तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा।